क्या आप जानते हैं कि सोने के गहनों में होलमार्क और कैरेट क्या होता है? जानेंगे BIS और कैरेट के फंडे को। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। घर में खुशियां सेलिब्रेट करनी हो, शादी ब्याह का अवसर हो या फिर दिवाली जैसा पवित्र त्योहार हो, सोना खरीदना तो बनता है बॉस। पर सोना खरीदना कहाँ से है, उसकी शुद्धता की जाँच कैसे करें, BIS मार्क क्या होता है, कैरेट क्या होता है, होलमार्क क्या होता है, इसके अलावा आपने BIS, होलमार्क, ज्वेलरी आइडेंटिटी मार्क, KDM गोल्ड और 916 गोल्ड के बारे में भी जरूर सुना होगा और आप जरूर सोचते होंगे कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं BIS के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हिंदी में इसे भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाता है। इसे 1 अप्रैल 1987 में एक अधिनियम के रूप में संसद के द्वारा लागू किया गया था। BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। ये एक मानक होलमार्क होता है जिसे गहनों पर मुहर लगाकर एक कोड के रूप में लगाया जाता है, जिसे लगाने का मेन पर्पस गहनों में हो रही मिलावट को रोकना होता है। आप जानते हैं होलमार्क गोल्ड क्या होता है? होलमार्क सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। BIS होलमार्क ये प्रमाणित करता है कि ज्वेलरी बताई गई मानकों के अनुसार ही बनाई गई है और होलमार्किंग होने से ग्राहक को भी संतुष्टि हो जाती है कि उसने जो भी सोना खरीदा है वो शुद्ध है। BIS एक्ट के तहत चांदी की ज्वेलरी पर भी होलमार्किंग करना जरूरी होता है। होलमार्किंग से ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है। अब जानते हैं 916 गोल्ड क्या होता है। ये सोने की एक क्वालिटी होती है। आम भाषा में हम इसे 22 कैरेट गोल्ड कहते हैं। अगर आप 100 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं तो इसमें 91.6 ग्राम प्योर गोल्ड होता है और बाकी का मिश्र धातु होता है। इसी तरह 23 कैरेट गोल्ड को BIS 958 लिखा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम गोल्ड में 95.8% शुद्ध सोना है। 24 कैरेट गोल्ड में 99.9% शुद्ध सोना होता है। इसे शुद्ध सोना भी कहा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड से ज्यादा सोने का और कोई रूप नहीं होता। चूंकि ये प्योर गोल्ड है, इसकी कीमत भी 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड से महंगी होती है। 24 कैरेट गोल्ड काफी नरम होता है, इसलिए इससे सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते। ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट गोल्ड में 75% गोल्ड और 25% मिश्र धातु होते हैं, जैसे कि जिंक, तांबा और निकल इत्यादि। 18 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड से काफी सस्ता और टिकाऊ माना जाता है। इसी तरह से जब 14 कैरेट गोल्ड की बात होती है तो 14 कैरेट गोल्ड में 58.3% सोना होता है और 41.7% मिश्र धातु मिलाए जाते हैं। 18 कैरेट गोल्ड की तुलना में 14 कैरेट गोल्ड काफी टिकाऊ और सस्ता होता है और ये रोजमर्रा के यूज के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं KDM गोल्ड की। KDM गोल्ड भी एक तरह का सोना होता है, लेकिन इसे गोल्ड एलॉय कहा जाता है क्योंकि सोने के साथ कुछ एलॉय मिलाए जाते हैं। सोने के साथ 8% कैडमियम मिलाया जाता है, इसलिए इसका नाम KDM यानी कि कैडमियम गोल्ड पड़ा है। सोने की शुद्धता बनाए रखने के लिए ये मिक्सचर मिलाया जाता है। हालांकि सोने में कैडमियम की मिलावट से शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ता। सोने के जेवर या गहने इत्यादि को बनाने के लिए कैडमियम मिलाने का काम होता है। ये काम सोने के कारीगर करते हैं। चूंकि कैडमियम की मिक्सिंग करने में कारीगर या फिर जोहरी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए सरकार ने KDM गोल्ड को अब बैन कर दिया है। बाजार में अब KDM गोल्ड बेचने या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने KDM गोल्ड को प्रतिबंधित करके अब KDM की जगह एडवांस सोल्डर मेटल जैसे कि जिंक और दूसरे मेटल उपयोग में लाने के लिए कहा है। तो हो फ्रेंड, गोल्ड को लेकर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।